गुड मॉर्निंग सर। पिताजी आ गए? हाँ जी आ गए। गुड मॉर्निंग सर। पिताजी हमारा सारा स्टाफ कहाँ है और ये लड़कियाँ कैसे अंदर आ गई? आई नहीं है, लाई गई है। क्यों? तुम्हारे लिए। क्योंकि तुम उस खूसट विश्वामित्र के साथ, उस बूढ़े बूढ़े खूसट विश्वामित्र के साथ रह रह कर ये भूल गए हो कि तुम इस खानदान के इकलौते चिराग हो और इस खानदान को तुम्हें आगे बढ़ाना है बेटे। पिताजी औरत नर्क का द्वार है। बेटे नर्क का नहीं, स्वर्ग का द्वार है। औरत के आते ही जिंदगी में बहार आ जाती है। औरत वो खुशबू है जो आदमी की जिंदगी को महका देती है। औरत के आने से रौनक आ जाती है बेटे, रौनक आ जाती है। आदमी ठीक तरह से सोचता है, उसका मूड सही हो जाता है और फिर बिजनेस बढ़ने लगता है। बिजनेस बढ़ता नहीं बल्कि बिजनेस घटता है। ये बलाएं लाकर आपने इस दफ्तर को नर्क बना दिया। नर्क बजाता हूँ। सुनो सुनो बेटे। नहीं नथिंग डूइंग। रुदा सर, सर आपकी कंस्ट्रक्शन वाली फाइल। बॉय। जी सर। खबरदार, अगर इन लोगों ने मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाया तो ये फाइल मेरे कैबिन में लेके आओ। जी सर। सैंडी, सैंडी, सैंडी। मालिक। उल्लू का पट्टा कब से चिल्ला रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है? मालिक कितनी बार कहा मैंने आपको, मेरा नाम आशुतोष मुखर्जी है, सैंडी नहीं, फिर भी आप सैंडी सैंडी बुलाते रहते हैं। इसलिए क्योंकि सैंडी मेरे बचपन के दोस्त का नाम है। तो आप उन्हें याद करने के लिए मुझे उस नाम से बुलाते हैं? नहीं, उससे बदला लेने के लिए। बचपन में उसने मुझे बहुत मारा था, इसलिए मैंने तय किया कि जब मैं नौकर रखूंगा तब उसका नाम सैंडी रखूंगा। न्या, न्या, कुत्ते ड्रिंक बना, ड्रिंक बना, ड्रिंक बना। सैंडी कुत्ता। दुष्यंत कहाँ है? पापा खाना खाकर सो गए। शाम के 8 बजे सो गया। सुमन, सुमन आ रही हो? सुमन क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये कैसी औलाद पैदा की है हमने। ओफो, क्या हुआ काली? दुनिया भर के बेटे शाम के 8 बजे तैयार होकर घर से बाहर निकल जाते हैं, आवारागर्दी करते हैं, डिस्को में जाते हैं, लड़कियां घुमाते हैं, और एक हमारी औलाद है जो 8 बजे खा पी कर सो जाती है। सुबह जल्दी भी तो उठता है। सुबह रात के 4 बजे को तुम सुबह कहती हो? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। कितनी तोहीन होती है मेरे दोस्तों के सामने मेरी। अरे किसी का बेटा रात के 4 बजे घर लौटता है, किसी का 6 बजे, तो किसी का लौटता ही नहीं है, और एक हमारा है जो खा पी के 8 बजे सो जाता है। स्वामी दयानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, जय जय जय। हमारे आनंद कहाँ है? पिताजी प्रणाम। पिताजी, अरे पिताजी आप सवेरे सवेरे उठ गए? बेटा मैं सोया ही नहीं। आपने सोमरस ग्रहण कर रखा है। क्या? श्री देवी की जगह स्वामी दीपक आनंद, माधुरी की जगह ये संत शेट्टी आनंद। बेटे तू स्त्रियों से इतनी नफरत क्यों करता है? स्त्री माया है, मोह है, अंधकार है पिताजी। यानी तू जिंदगी भर कभी शादी नहीं करेगा? ब्रह्मचार्य ही जीवन है, ऐसा प्रोफेसर विश्वमित्र जी कहते हैं। प्रोफेसर विश्व, अगर मैं भी यही सोचता ना तो तू आज यहाँ पर नहीं होता, समझा? प्रोफेसर विश्व। क्रोध नहीं पिताजी, क्या ये जरूरी है कि जो भूल आपने की है वो मैं भी करूँ? हे भगवान, तूने इसे मुझ जैसा नालायक क्यों नहीं बनाया? पिताजी, प्रोफेसर विश्वमित्र। तो क्या मिला विवाह के पश्चात? दुख, अशांति, क्रांति, और कहने को बीवी का नाम था शांति। अब बताइए मुझे। चरण स्पर्श प्रोफेसर साहब, आज्ञा दीजिए। आज्ञा जी। कहाँ जा रहे हैं दुष्यंत जी? कुछ दिनों के लिए पिताजी के काम से मनाली जा रहा हूँ। मनाली जी? कौन मनाली? कुल्लू मनाली, हिमाचल में। कुल्लू मनाली बस 2-4 दिनों की बात है। भटकने के लिए तो एक पल भी काफी होता है दुष्यंत। क्यों, वहां बहुत खतरा है प्रोफेसर साहब? खतरा तो हर जगह हर कदम पर है दुष्यंत, जहां औरत वहां खतरा। तो आप ही कोई हल निकालिए प्रोफेसर साहब, मेरा जाना तो बहुत जरूरी है। जाओ, लेकिन मेरी हर बात गांठ में बांध लो।
आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, आप कहिए। इन पहाड़ी जगहों पर अक्सर खूबसूरत लड़कियां घूमती फिरती हैं जी, जो अपनी खूबसूरती के जाल में इन भोले भाले मर्दों को फंसा लेती हैं। जी हाँ जी हाँ जी, जैसे कि वो फिल्म मधुमती में और कश्मीर गली में था। तो पहला नियम, किसी भी खूबसूरत लड़की का साया अपने ऊपर पड़ने मत देना। और अगर मजबूरी में साया पड़ गया तो उसकी तरफ हरगिज मत देखना। और अगर देखना पड़े तो उसे बात मत करना। और अगर बात करनी पड़े तो उसकी तरफ मुस्कुराना मत, चाहे वो कितना भी क्यों ना मुस्कुराए। कुमार, पहले तो ये पहाड़ों पर लड़कियां गाती फिरेंगी, नाचती फिरेंगी, जैसे इन्हें कोई मतलब ही नहीं। उड़ के तुम्हारे संग चलूंगी, जय हनुमान। और जैसे तुम्हारे जैसे भोले भाले मर्द पर नजर पड़ी, ये जानबूझकर अपने सिर का मटका गिरा देंगी और तुम्हारा पांव फिसलेगा, तुम लड़खड़ा कर नदी में गिर जाओगे। फिर ये भागी भागी तुम्हारी मदद के लिए आएंगी, और जानती उसके बाद क्या करेंगी? क्या करेंगी? चुड़ैल नागिन खुद अपना पांव फिसला कर तुम्हारे से लिपट जाएंगी, और जाहिर है कि तुम एक अच्छे इंसान होने के नाते उसे संभालने की कोशिश करो। तुमने उसे संभालने की कोशिश की, ये तुमसे और लिपट जाएंगी, और अगर दुष्यंत कुमार उस समय तुम ना बचे तो फिर जिंदगी भर के लिए चूके। अच्छा वो आपने मुझे बता दिया, और ना मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। बोलना मत। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे गर्दन अटक गई। नहीं, कितने बुलंद ख्याल है इनके। क्या हुआ? ठीक हो गई। ठीक हो गई। याद रखने के लिए मेरी ये तस्वीर ले जाओ, जब भी मन डावाडोल हो इसे देख लेना, शक्ति मिलेगी। जी जाओ दुष्यंत कुमार, कुंवारे जा रहे हो, कुंवारे ही लौटना, क्योंकि औरत तू कपड़े संभाल, मैं अभी आया। शक्कू जी, शक्कू जी, सिर्फ एक बार मेरे इन सफेद दुपट्टों को अपने गालों से छू लो, ये गुलाबी हो जाएंगे। शक्कू जी, मैं आपके लिए जलेबी ला, इससे एक बार हाथ फेर दो, इमारती हो जाएगा। हाथ सकू जी, मेरे एक बार पान को चुम लो, कत्ते का खर्चा बच जाएगा। हाय, और मेरी इत्र की शीशियों पे हाथ दे तो इनकी खुशबू और बढ़ जाए। मेरा कलेजा तुम्हारे लिए धड़क रहा है शक्कू। मेरे अंडों पे एक बार हाथ रख दो शक्कू जी, कसम से चूजे बन जाएंगे। मेरे गुलाबों की रंगत बढ़ा दो शक्कू जी। मेरी मौसम्बियों को छू दो, शराब बनाऊंगा शक्कू जी। शक्कू जी, इन टमाटरों को छू दो और लाल हो जाएंगे। मेरे सर पर हाथ फेर दो, शायद इन पर बाल आ जाएं। मेरे साथ फोटो खिंचा लो, शायद हीरो बन जाऊं। मेरी किस्मत का हर मटका खाली है शक्कू, जरा मेहरबानी करके थोड़ा सा जल छलका दे। अच्छा, जल छलका दूं? हाँ, थोड़ा सा। नागिन कहीं की, दुष्यंत कुमार अगर तुम इस वक्त नहीं बचे तो चूक गए। माफ कीजिएगा, आपको लगा तो नहीं? देखिए हम ब्रह्मचारी है, स्त्रियों से बात करना मना है। वो तो ठीक है, लेकिन ये सब हादसा मेरी वजह से हुआ है। अभी आपके कपड़े गीले हो गए, आप कहाँ फिर रहे हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो पाप तो मेरे सर पर लग जाएगा। मैं यहाँ पास में रहती हूँ, आप चल के मेरे पिताजी के कपड़े पहन लीजिए। मत जाना मूर्ख, मत जाना। क्या सोच रहे हैं आप? राम 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 राम। देखिए, मैं वहां झील में गिर गया था, मेरे कपड़े बिल्कुल भीग गए, मुझे ठंड लग रही है, आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं आज तक हिंदुस्तान की सेवा करते आया हूँ और करता रहूंगा, और यही मेरा धर्म है, और ये हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। देखिए, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, कोई तालियां। लगता है तुम तो बहुत भीगे हुए हो, तुम्हें जल्दी से कपड़े बदल लेने चाहिए, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। जाओ अंदर, मेरी वर्दी टंगी हुई है,
जाओ उसे जाकर पहन लो जाओ। धन्यवाद। सर्दी लग जाएगी तो निमोनिया हो जाएगा और निमोनिया हो जाएगा तो टाइफाइड। इधर गया तुम? अरे तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ? मेरे ही घर में खड़े रहकर मुझे ये बात सुना रहे हो? तुम्हारा घर? यानी कि वो आर्मी वाले तो? हाँ हाँ मेरे पिताजी हैं। अरे वो तो कुछ हाँ हाँ उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं रहती इसलिए आर्मी से रिटायर हो गए। खैर छोड़ो, चाय पियोगे? मैं चाय वाय नहीं पीता हूँ। अगर मुझे पहले मालूम होता कि तुम्हारा घर है तो कभी नहीं आता यहाँ। क्यों क्यों, आखिर मुझ में ऐसी क्या बुराई है? अरे तुम में ही बुराई नहीं, तुम्हारी जात में बुराई है, औरत जात में बुराई है। तुम जरूर मुझे फांसा चाहती हो, चाहे प्रोफेसर विश्व में। मैं तुम्हें फांसना? अजीब आदमी। मत कर मुझे प्रणाम, दूर हो जा मेरी नजरों से पापी। गुरुदेव मेरा कसूर? कसूर? आज तूने गहरा पाप किया है जिससे मेरी आत्मा बहुत दुखी है, मेरे विश्वास को ठेस पहुंची है और मेरे हृदय को गहरा आघात पहुंचाया है तूने। गुरुदेव मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया है। आज तूने एक लड़की से मदद ली, उसका स्पर्श किया जिसकी गंध अभी तक तेरे शरीर से आ रही है। आई आई आई। गुरुदेव वो तो खुद मुझसे टकरा गई थी, मगर मुझे आपकी सारी बातें याद थी। मैंने उसे डांटा और उसके साथ जाने से मना भी कर दिया, लेकिन मैंने उसके घर में कपड़े जरूर बदले थे क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि वो उसका घर है, लेकिन जैसे मुझे मालूम पड़ा कि वो उसका घर है मैं फौरन चला आया, चाय तक भी नहीं पी। प्रॉमिस। दुष्यंत मेरे प्रिय शिष्य, वैसे तो मुझे तुम पर पूरा विश्वास है मगर ये औरत जात बहुत खतरनाक है, इससे दूर ही रहना मेरे प्रिय शिष्य, दूर ही रहना। आप चिंता मत कीजिए गुरुदेव, आपका मंत्र मेरे रोम रोम में बसा है, औरत नरक का द्वार है।